भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ अन्ना हजारे के जन आंदोलन सत्याग्रह को समर्थन देने देश के कई हिस्सों से लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन लोगों को उम्मीद है कि अन्ना के आंदोलन से उनकी मांगे पूरी होंगी। यहां पहुंच रहे हर शख्स के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अन्ना की तस्वीरें जहां लोगों के मन में उत्साह भरती नजर आ रही है, वहीं रामलीला मैदान में आंदोलनकारियों के लिए की गई व्यवस्थाओं से लोग काफी नाराज हैं। एक ओर जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तो वहीं अन्ना के आंदोलन में शामिल होने आए लोगों के लिए न तो शौचालयों की ठीक व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की। रिपोर्टिंग के दौरान दूर किसी कोने में नीले रंग का पीने का पानी का टैंकर तो दिखा, लेकिन शहरी लोग बाहर किसी दुकान से पानी की बोतल लाते दिखे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से रामलीला मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पंडाल के अंदर कई राज्यों से आए किसानों से बातचीत हुई। पंजाब से आए किसान इंद्रजीत अन्ना के साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिशा लागू करनिया देश दी किसानी नु कर्जा मुक्त कर। वहीं उत्तर प्रदेश के डोडापुर से आई महिला किसान हसीना फिलहाल मजदूरी करती है। घर टूटा हुआ है, आर्थिक स्थिति भी लचर है। वे चाहती है कि उनका नाम पेंशन योजना में जुड़े और उन्हें समय से राशन मिले। पेंशन हो, कालूनी हो, राशन हो, इन्हें सब पूरा सहायता हो भैया, राशन का हटाओ नहीं। जबकि महाराष्ट्र के अहमदनगर से आए किसान ज्ञानेंद्र चाहते हैं कि सरकार कर्ज माफी के साथ ही किसान को प्रतिदिन 100 रुपए मजदूरी भी दे, जिससे उनके हालात सुधर सके। बारा महीने तब खर्च दिला अनुदान दिला तर काढून घेते ती लगेच ठेवतेत का तुमच्या शेतकऱ्यांकडे। त्याच्यासाठी मालाला बाजार पाहिजे आणि लाईट बिल मोफत शेतकऱ्याला शासनाने द्यावं। पिछली बार हुए अन्ना आंदोलन ने सरकार का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन देखना होगा कि इस बार अन्ना आंदोलन कितना सार्थक सिद्ध होता है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान से कोमल बड़ूदेकर की रिपोर्ट।